हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ खास बातें बताने वाला हूं। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है होली के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको होली से जुड़ी हुई कुछ बातें बताने वाला हूं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो कभी ना कभी आपके मन में भी ये सवाल आया होगा, क्या एक मसीह व्यक्ति को होली का जो त्यौहार है उसे मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बाइबल के वचनों के द्वारा मैं आपको क्लियरली कुछ बातों को बताने वाला हूँ, जिन्हें सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक मसीह व्यक्ति जब कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है तब उसके लिए क्या होली का जो त्यौहार है उसे मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मसीह भाई बहन मुझे कमेंट करते हैं और मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि ब्रदर, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम नए विश्वासी हैं, तो हमें बताइए क्या हम होली का जो त्यौहार है उसे मना सकते हैं कि नहीं मना सकते। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बाइबल के वचन के द्वारा मैं आपको क्लियर सब कुछ समझाने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता देना चाहता हूं। हमारे वीडियोस मसीहों को यह समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीह व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है, और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये बात पहुंच सके कि एक मसीह व्यक्ति को बाइबल के अनुसार होली का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आज आपको बता दिया है कि हम बात करने वाले हैं होली के त्यौहार के ऊपर। होली के त्यौहार के ऊपर बात करने वाले कि एक मसीह व्यक्ति को होली का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लेते हैं, उस दिन से आपके लिए बाइबल के अनुसार जीवन जीना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि एक मसीह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चले, बाइबल की आज्ञाओं के अनुसार चले। तो सबसे पहले एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5:17 आपको पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। दोस्तों, इस वचन में परमेश्वर हमसे कहते हैं, जब हम मसीह में आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, विश्वास करते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तब हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हमारा पुराना स्वभाव खत्म हो जाता है और हम एक नई जीवन में प्रवेश करते हैं, और नए जीवन के अनुसार चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, संसार में जितने भी त्यौहार या रीति रिवाज मनाए जाते हैं उनके पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई होती है। जैसे कि हर एक चीजों के पीछे कुछ ना कुछ घटनाएं हुई होती हैं, इसी प्रकार होली के त्यौहार के पीछे भी एक घटना है जिसे आज के समाज के बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं कि होली का जो त्यौहार है वो एक घटना से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक ऐसी घटना को दिखाया गया जहां पर एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को प्रदर्शित किया गया है, यानी कि उसके पीछे एक कारण बताया गया है। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के वचन में चलने वाले व्यक्ति संसार के रीति रिवाजों को फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब आप होली का त्यौहार को मनाते हैं या उसको अपने जीवन में लागू करते हैं या आप भी उसमें शामिल होते हैं, तो आप जाने अनजाने में उस रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं जो कि बाइबल हमें जिसकी इजाजत नहीं देती है, क्योंकि हम संसार के सदृश नहीं बन सकते, संसार के रीति रिवाजों में नहीं चल सकते। अगर हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 12:2 में तो इस प्रकार से लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली
और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के सदृश मत बनो, जो ये संसार करता है उसे हमें नहीं करना है। अगर हम संसार के सदृश बनेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छाओं पर नहीं चल पाएंगे। हम सब जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तब हम इस संसार के रीति रिवाजों को फॉलो करते थे, लेकिन जब हम यीशु में आ जाते हैं तो हमारे लिए इसको फॉलो करना अनिवार्य नहीं है, इसे नहीं करना चाहिए। बाइबल के अकॉर्डिंग हमें जीवन जीना चाहिए। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि बाइबल में कहीं पर भी होली के त्यौहार के विषय में नहीं लिखा है, लेकिन हमें बाइबल के अनुसार समझना होगा कि जो चीज़ें संसार करती हैं उनके पीछे कोई ना कोई ऐसी प्रथा जुड़ी हुई है जो कि किसी दूसरे की आराधना से जुड़ी हुई है। और बाइबल कहता है कि तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर नहीं मानना, यानी परमेश्वर के सिवा हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इसीलिए हमें इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक और वचन पढ़ेंगे और हम देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। हम पढ़ेंगे कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 20 आयत को। यहां पर लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मसीह के साथ इस संसार की शिक्षाओं के लिए मर गए हो, आपने बपतिस्मा लेने के बाद इस बात का निर्णय लिया कि अब मैं संसार के जैसा नहीं रहूंगा, संसार की बातों में नहीं चलूंगा, अपने शरीर के द्वारा पाप नहीं करूंगा, तो फिर तुम संसार की रीति रिवाजों में क्यों चलने की कोशिश कर रहे हो? तुम उसमें जीवन बिताना क्यों चाहते हो जबकि तुम परमेश्वर के हो, यीशु मसीह के हो? इसीलिए ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? सबसे पहली चीज, एक मसीह व्यक्ति को होली का त्यौहार या किसी और त्यौहार को जो कि बाइबल में नहीं है उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। जब आप इसको करते हैं इसका मतलब आप वचन के अनुसार नहीं है, क्योंकि इन सारे त्यौहार के पीछे एक घटना जुड़ी हुई है, एक कहानी जुड़ी हुई है जो कि आपको किसी दूसरे के साथ कनेक्ट करती है, परमेश्वर से अलग करती है। जब आप परमेश्वर को छोड़कर आप किसी और की आराधना करते हैं तब आप परमेश्वर के विरोध में जाते हैं। देखिए, आराधना करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाकर किसी के सामने खड़े होकर उसको जय जयकार कर आराधना करें। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो आप उसकी आराधना ही कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर को फॉलो करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, तो हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन जब हम किसी और की आज्ञाओं को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो हम उस व्यक्ति को आराधना दे रहे होते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है। और बाइबल के अकॉर्डिंग होली का जो त्यौहार है वो मसीह लोगों के लिए नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि हम क्या थोड़ा बहुत रंग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, अगर कोई हमारे घर में आता है तो क्या हमें होली का रंग उन्हें लगाने देना चाहिए कि नहीं लगाने देना चाहिए, देखिए आप उनसे क्लियर बोल सकते हैं कि ब्रदर या सिस्टर, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम रीति रिवाज को फॉलो नहीं करते हैं और हमें आप रंग ना लगाएं क्योंकि ये हमारे बाइबल के खिलाफ है, हम बाइबल के अनुसार चलते हैं। ऐसा बोलकर आप उन्हें समझा सकते हैं। अगर आप उन्हें सच बताने की बजाय उनको खुश करने के लिए उस त्यौहार में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस चीज की आराधना कर रहे हैं जिनको वो लोग आराधना कर रहे हैं, और आप उस चीज को करते हुए उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। जाने अनजाने में आप परमेश्वर के वचन के विरोध में चले जाते हैं। एक आखिरी आयत में आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। हम आएंगे यिर्मयाह की किताब उसका 10 अध्याय और 2 आयत। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा हुआ है, अन्य जाति की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। परमेश्वर कहते हैं अन्य जाति की चाल मत चलो। जी हाँ दोस्तों, अन्य जाति का मतलब होता है जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते वे लोग अन्य जाति कहलाते हैं। बाइबल के अनुसार अन्य जाति का अर्थ होता है यीशु पर विश्वास ना करने वाले लोग। और यहाँ प्रभु कहता है कि अन्य जाति की चाल मत सीखो, जो वो लोग करते हैं वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उन चीजों में खोए हुए हैं, परंतु तुम उसमें खोए हुए नहीं हो और तुम्हें उसमें नहीं खोना है। तुम्हें परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो होली का त्यौहार एक मसीह व्यक्ति के लिए नहीं है। आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, उसे फॉलो नहीं कर सकते हैं। इससे बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे आसपास के लोग हमें बुरा नजर से देखेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने पड़ोसियों से प्रेम करने के विषय में लिखा गया है परमेश्वर के वचन में। उसका अर्थ यह है कि उनके जीवन में उनकी जरूरतों के लिए आप उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो, उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ। जिस प्रकार तुम अपने शरीर के अच्छाई के लिए सोचते हो उनके लिए भी सोचो, ये बात है। लेकिन उनके चीजों में शामिल होकर
उनसे प्रेम करना ये बाइबल नहीं सिखाती है। बाइबल सिखाती है मसीह में प्रेम करना है, यानी मसीह के स्वभाव से प्रेम करना है। संसार के स्वभाव से अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो मसीह का प्रेम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पाप से प्रेम नहीं करता है, पापियों से प्रेम करता है। तो अगर आप होली का त्यौहार मनाते हैं, उनके संग में रहते हैं और कहते हैं कि हम मसीह का प्रेम प्रकट कर रहे हैं, तो ये सही प्रेम नहीं है। परंतु अगर आप ऐसे लोगों को बाइबल की सच्चाई बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के बारे में बताते हैं, वो सच्चा प्रेम है। इसीलिए मेरे प्रियो, सही मायने में एक होली का त्यौहार या कोई भी त्यौहार मसीह व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें इसकी इजाजत नहीं देती है। इसीलिए अगर मुझसे क्लियरली कोई पूछेगा हम मसीह में हैं तो क्या हम होली का त्यौहार मना सकते हैं, मैं कहूंगा बाइबल के अकॉर्डिंग आप होली का त्यौहार नहीं मना सकते। अगर आपको किसी से प्रेम करना है, उसके सुख दुख में उसके संग रहिए, उसकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करिए, हो सके तो उनकी मदद कीजिए, लेकिन संसार के सदृश्य मत बनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना।